लंगर दवा सलवात मिल के बाबाजे बुलंद दुआ ज़हूर नूर तौहीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलातो वसलाम सलावातो का अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि सात मफीकुल सात वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इन हत्ता तुज़किनाहु अरज़क़तो अन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद रब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या कायम आले मुहम्मद अदरिकनी या कायम आले मुहम्मद अरशनी फी सबीलिल्लाह या कायम आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल या कायम आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल बेहक सैयदतुन निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज नारे तकबीर माशाल्लाह काफ़ी ज़रा तशरीफ़ फरमा हो जो बंद नीयत नाल इस अकीदे नाल मालिक दे जिक्र तशरीफ लैके आए और यकीन मोहकम रखते हो कि कायनात की हर नेमत मोहम्मद वाले मोहम्मद की नालायन दे सदके अल्लाह ता करता है तो जिन्होंने जुबान की नेमत मिली इसे वास्ते है ताकि मालिक दे जिक्र से बोलिया जा सके उस जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा करने वास्ते खालिक दा नाम चाहो कि वजह हुल्ला थोड़े मेरे राजी होवन नारे तकबीर मेहरबानी नारे रिसालत अपनी इज्जत वास्ते अपने रिज़क के इजाफे वास्ते अपनी जुबान की पाकिजगी वास्ते उच्चा बोलो नारे रिसालत इतने ढेर बंदे सारे मुसलमान ही बैठे जी ना मुसलमान ही हो तुसी फिर क्यों नहीं चाहते नबी का नाम जिस नबी का ना चाहिए दो बारी होंठों नूं मिलाना पै जावे वो एडा सोहना ना ही अल्लाह ने अहमद रखिया गल मेरे जेन च आ गई अलमदार सिंह साहब मैं जुमला पढ़ के जब भी देखी यार मैं नहीं पता कि किस मियार दे बंदे गल कबूल करते हैं जरूरी नहीं है जरूरी है कि बंदे की उम्र ढेर हो इलम आता हो इलम दा उम्र दे नाल तल्लुक ही कोई नहीं जी ये जिस दे नसीब च हो जाए मिल जाती है जिक्रे अली दे विच बह के चेहरे ते रौनक रखिया करो अपने आप नूं दस्या करो कि मैं अली वाला मैं नबी वाला तुहाडे चेहरे तो पता लग जाए छे बाद कोई साबी आ सके सरकार मैं तबलीक ते जा रहा कोई ऐसा अमल दसो जिसे तो मैं कामयाब होकर आवां मालिक फरमाया तू जा रहा बस एक गल का ख्याल रखें तेन जुबान का इस्तेमाल ना करना पवे सईद कह बंद समझे कि नहीं समझा अपना किरदार ही ऐसा बना लो अगला तुम वेख के आखे नहीं यार हम बंद इतने नबी के मरण बैठे सरकार का ना ना चाहन तो फिर मैंने तो तकलीफ होनी जी ना जे आशिक रसूल अल्लाह हो उची बोलो नारा ए रिसालत मैं कुल्ले ईमान दे ईमान का ना चाह रहे उची बोलो नारा ए रिसालत और सोना पिछे वेखन लगे जाकर नहीं उन्हें मेरे नाल पढ़ाना है हाँ चौ बोलो हैदरी तुम अजे भी गौर नहीं कर रहे भाईजन मैंने देखो जिंदा मैं इधर पढ़े यार उधर कितने वेख रहे हैं यार हुक्म सी भाई सरतैन का हुक्म की तमिल हो गई अली वाले की ज़ियारत हो गई जिन्हें बुलंदी दर्जात वास्ते मजरी सखी गई है बुजुर्ग बैठे ने इस गल की ताइद कर सन मरदे उन्होंने जिन्हें वारस कोई नहीं होंगे सर एक मौलवी मैंबर से आ कह रहे जी उच्ची उच्ची कह रहे हैं वारिस दिखाओ जाकर कहते हैं आलम कहते हैं हमारे वारिस मौजूद हैं हमारे वारिस मौजूद हैं दिखाओ फिर कहते कहाँ है तुम्हारे वारिस मैं क्या परेशान क्यों होना है कबर से जाते सही जितनी पलीतगी तेरे च है इस दुनिया च नहीं नजर आते जो हर निजामे पलीतगी रुकेगा ना फिर मालिक नजर आने के तेन सन तो जो जाइए नजर आ जाने अभी जिस वे सजदा करिए मालिक की बारगाह सू लगता असी तो नस्बत जो मंगने सू मिलता लो सैयद बैठे ने इतने यकीन कामिल किस वेले होंगे उन्हें पीर कामिल यकीन कामिल है तो पीर कामिल वो यकीन है तो होना हूँ कई बंदे अलम तो मन्नत चाह के घट हो जाते हैं मन्नत चुकी तो घट चल गए यानी ये अली दी धीआं नालों भी घट मनते हैं बास नूं वह घरों बाहर नहीं निकलियां जब तक बास नाल ना हो कम अज कम उन्हां जिन्ना यकीन तो करो मन्नत चाह के घर ना जाया करो मन्नत लाह के घर जाया करो जावरी इंशाल्लाह बशरते जिंदगी
आओ बिस्मिल्ला। मेरे इंतहाई मौला दे प्यारे मदा खान मेरे छोटे भाई भी, जाकर मेरे तो वड्डे भाई मेरे छोटे, इमाम हुसैन बादशाह जनाब जैन, जो आपको जैन देंगे मालिक का जिक्र सुना के, और आपका जीवन सुखी होगा। दोनों नामों में आपके साथ इंतहाई वाजिब इहतराम मालिक, मालिक दे हर मदा खान की इज्जत वाजिब समझ के मैं इस वास्ते करना, चूंकि निस्बत हुसैन दे नाल है। सतन जी जी की निस्बत हुसैन नाल हो जाए वो इज्जतदार हो जाता है। अगर लोग जान जाने, कई बंदे बाहर भी खड़े ने काफ़ी जरे अंदर नहीं आ सके, ये जान जाने के जिक्र साड़ी वजह तो नहीं है, असी जिक्र की वजह तो। फिर तुसी बोलो भी मौला जी, फिर तुसी बोलो, फिर कहना ना पवे तुम बोलन का। हूँ मलसा च कई जगह पर जाके मिन्नता करनी पड़ी कि यार उची आखो यार, और रसूल का ना उच्चा लवो। अच्छा मजलिस जाके असी नमाज की भी गल कर रहे हैं, मजलिस की भी गल कर, हालांकि नमाज भी हुसैन दी है, मजलिस भी हुसैन दी। मौलवी जी कर जाना पैना। हाँ बैठे क्यों फिर? आना वाजिब सी, मेरे भाई का हुक्म सी, दो मिलसन का सिर्फ मैं ऐलान कर दिया। और एक कसीदा तुम सुनावा, नजमा ढेर मैंने बेरावा ने कित गए शाह जी, इन्होंने पूरी लिस्ट मैंने दी है सौदे की, जिम्मे बाजार चो सौदा नहीं लाने लिस्ट, तो मैं वह इन्होंने फिर किसी दिन सुना देंगे। मैंने मेरा दिल नवे कसीदे सुनावा, और जिन्हें तो बुलंदी है दर्जात वास्ते मैं लाजमी नाथ तो लाजमी पढ़ा गा, लाजमी पढ़ा गा बुलंदी है दर्जात वास्ते जिन्हें है सैयद तंजीम तंजीम उल हसन सुभान अल्लाह, यकीनन साइयां दी बारगाह च ने, और मालिक उन्होंने मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। जे तुहाडे इज़दारे फनी तो मुंतकिल हो जाए ना, उन्होंने वसीले तो दुआ मंगया करो, तुहानू पता नहीं मालिकां दे ज़्यादा करीब ने। अली वाला है तो मालिक दे करीब है, अली वाला नहीं है फिर जो भी है फिर वो करीब नहीं है, वो दूर है। चलो जिन्हां दे चेहरे ते साइयां दा नाम भी रौनक आंदी है उन्होंने वास्ते कसीदा पढ़ना चाह रहे हैं। नौ रजब बानी होंगी हसी दे नाल जाफरी साहब को सैयद को इंशाल्लाह, जशन जनाबे अली असगर बाबुल हवाई, और इंशाल्लाह जमात रबी उसानी चौथा इतवार रबी उसानी का जनाबे अलमदार असदी साहब को उत्थे भी बानी होंगी हसी, जैन साहब भी पढ़ सन, और मुल्क के नाम उलमा इकराम ज़ाकिर खिताब फरमा सन। 11 जून भी बानी होंगी हसी दे नाल, ये तीन ऐसे प्रोग्राम ने जिथे पढ़ना होना जरूरी मेरा, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी नौकरी देंगे। मालिक मजीद दर्जात बुलंद करे। सानू डराउंदे ने कब्र बड़ी अंधेरी जगह है, इहदे नाल सिरातुल मुस्तकीम थोड़ा मेरे को वक्त ज़्यादा हो जाता जी, मैं छेती उठ के आ जाता तुम्हें लंबी होर मजली सुना, देरी सिर इस वास्ते हो गई ला बड़ी लेट आ गए, लेट पहुँचे तो अगे बंदे को ना पहुँचते बंदे कहते यार तुम जान के नहीं आए, अपने मन उस किसी जाकर तो दिल करता मजली छेड़े तुहाडे जैसे बंदे बैठे उन्हें फिर करता छड़ दे बोलिया कर यार ठीक है। राह हक का बहुत है कठिन रास्ता, राह हक का बहुत है कठिन रास्ता, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए, राह हक का बहुत है कठिन रास्ता। हाथ जुड़ा कौन आगे मेहरबान, आप मौला सलामत रखे पाक भी थोड़ी इज्जत ही इजाफा था फरमाया। सरतान जी एक सिर्फ मजबूरी दस दें, मेहरबानी साईं खत्मे कुरान दा सवाब लो है जरी। राय हक का बहुत है कठिन रास्ता, पता नहीं कितने सदके छड़िया जाओ, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए, मिश्रा वाला शेर पूरा करना चाह रहे हैं। राह हक का बहुत है कठिन रास्ता, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए, राह हक का बहुत है कठिन रास्ता, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए, खुद के रास्तों को जो जानता उस वली का हमें आसरा चाहिए। फिर मालिक सामने इंतहाई शुक्रिया, सानू डराया हो उत्थे दी तैयारी कर लो। कैसी खूबसूरत नीयत बानी आंदी, मालिक तुहानू सलामत रखे। पहली मजलिस मौला दी कसम अपने जिंदगी च खलो के
काबे नालों घट इज्जत नहीं इस खिलाफ थी थोड़े वास्ते क्या मैं नहीं पता चुके यदि निस्बत कबरे हुसैन के नाल है ये जात पा के कह रहे हैं अंदर की तबीयत तुसी बदलती मेरी कई ऐसे बंदे ने जिहड़े नहीं बोले मैं तुहाडे सदके छड़दा उन्होंने मेरे सामने बंदा मजलिस च आया हुआ है शिया सुनी जो मर्जी है अली के नाँ तो चुप बैठा हो मैं चंगा नहीं लगता भावें प्यो हो मेरा पता नहीं कैसी तुहाडी नीयत है कि मैं उन्होंने वेख भी रहा चुप मैं फिर छड़ी जा रहा सुन रहे उत्थे दी तैयारी कर लो अली पढ़ना मेरा इश्क मैं बंदे वास्ते नहीं पढ़ता ये नौकरी नहीं मेरी सही है जागना जिवें मालिक अली बादशाह सदके कामयाबियां दे तुहानू जिथे पैर रखो ते खैर होवे शेर तुहाडी नज़र कबर च बड़ियां ढेरी जगह है उत्थे दी तैयारी कर लो कबर ने फेंद देने सज्जे दियां पसलियां खब्बे खब्बे दियां सज्जे आ तो डर गया कन्फर्म इतनी इतनी मोटी किताबां लिखी कबर के बाद क्या होगा रूहों का अज़ाब सफर मौत का आलम बरज़ख को सीढ़ी मिलती है रूहों का सफर पतला जहा बंदा जा रूहों का सफर मैं सर जी एडी तेज जियो वाले नहीं पहुंचे ये कितों पहुंच गए देखो ही देखे ना देखे शब्बीर तो देखे को दे तो ये कौन जरा देख रहे हैं लेकिन मैं खदी सुना ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शिया सुनी तवज्जो जी कालत काल रसूलुल्लाह ले अलियन या अली हस्बो का लैसल मुहिब्बे का हसरत निल मौत वला वासुतन फिल कब्र वला फज़न यौमुल क़यामा बीबी आयशा रबियहिन ओ फरमान मजना पे सरवर कायनात को सुने उन्हें कह या अली तेरे वास्ते काफी है तेरे किसी मुहिब नु मौत मेरे कोई हसरत ना हो सी मुहिब नु कब्र च हिसाब ना हो सी मासे से पूछ गिछ ना हो सी ए हदीस दा तर्जमा है जितना मेरी समझ आए बाबा जी मैं ही जान सकया कब्र क्या है अकेला सा घर है वहां मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं वो बहुत ही अंधेरी जगह है जहां कोई अमर नहीं कोई अपना नहीं तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए जिंदाबाद लियो या अली तुम्हारी नीयत बढ़िया इस तरह तो लाजमी फरमाइश पूरी कर दूँ जियो या अली तुसी गौर कर ले जे अली का इश्क हमें बूढ़ा नहीं होने देता मातमिया जिन्हें जवान ने उन्होंने चंगे बाबा जी उठ के नारे मारे ने ये अली का इश्क दसदा है तो कई मेरे नालों से चंगी भी या अली नहीं कह सक रहे और जियो सदके पाक मौला थोड़ा साया सलामत रखे उन्हें गल ही बड़ी उड़ी की उन्होंने कामरा हूँ तो उन लानत पई है सही कहते बाबा जी आओ फिर असी लानती क्यों मिलना आपस अली ली करिए एक जंग अली बादशाह के मद्दे मुकाबला आया अमर इब्ने अब्दूद खुदा इस्ते लानत करे सामने कहते या अली वार कर अली बादशाह के करमा मैनू सुजान मैं अली हाँ अली कभी किसी से पहला वार नहीं किया मेरा वार कह रहे खुदा है वार कर मत तेरे दिल च कोई हसरत है जे इस तलवार चलाई थी तलवार टूट गई देखे दे अली मैं सुने तुसी बड़े सखी हो बादशाह माई कुशक अद मैंने अपनी तलवार दे दियो चलो कोई गल मैं गल समझा लेना जे बंदे मैंने बिल्कुल चुप करके सीरियस होकर वेख रहे ने मैं उन्होंने बाहर रखो बोलो बोलते क्यों नहीं ये बाहर जाके पांच सत मुंडिया इकट्ठे हो जाए हाँ हूँ सुना कामरा की कह रहा तो मेरे को टेपा चढ़ी उत्थे तक करके डांग ये कहना सी तेरे ता लेना डांग तू सानू दे दे जे नहीं बोले मैं दांग अजू मैं बदौल बोलो तो सही हूँ तो पहुंचे हो गए नहीं बादशाह मिंबर दिखाना बगैर मकसद गल नहीं कर रहा तुहाडे मेरे नहीं कायनात दे मेरे मोमिन इक लम्हा नहीं सोचा तलवार सटी चा चाहता रहा जोर लाता रहा तलवार न चाहिए देखे जी जहरन मेरी तलवार तुहाडी तलवार नो ज्यादा वजनी है ये चाहिए क्यों नहीं जा रही अली बादशाह देख रहा है तेरी ते मेरी तलवार च बड़ा फर्क है अदे क्या फर्क है बादशाह देख रहा है तेरी तलवार तेन लोहार ने दी है मेरी परवरदिगार ने दी ओला तो बंदे दी शायद फर्क तो होता ना जी ओ ये हाथ बादशाह किसे कमीने में मोहताज ना हो जे टेके लाई बैठे हो तुहाडे वास्ते शेर पूरा करा सुनिया
अली कहने वाले सलामत रहो जी। सर केड़ा फर्क है, या अली केड़ा फर्क है, तुहाड़ी बंदे मार दिए मेरी भी कताल कर दिए। बड़ा खूबसूरत जुमला तुहाड़ी नज़र पेश कर, बादशाह देखे ना तेरी तलवार इवें चलती रहती है, इवें चलती रहती है, इवें चलती रहती है, मगर मेरी तलवार सात नस्लों में पहले ये है झांकती, इनमें मोमें तो कोई नहीं। क्या बात है जियो सैयद तुहाडे सुभान अल्लाह कुरबान जी। मैं सलाम करना तुहाडे इलाके नूं, सुदैन जी इतने अरसे बाद इस पट्टी ते आके नौकरी दित्ती जी, सुभान अल्लाह। मैनू सैयद हुक्म कीता नात दा, इक मैं तुहानूं नात अपनी जबान चों नहीं सुनानी, तुहाडी जबान तों नहीं सुनानी। चलो मैं एक जुमला पेश कर दें, बंदे नात पढ़ते हैं, एक बंदा नात पढ़े की ना कीता यार ने एक यार वास्ते। मौल साहब दुआ फरमाना, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिल सजाइया ने थोड़े वास्ते नहीं। अच्छा ये नात है, वो मुताबिक वो नजरिए अकीदे नात है, जो भी शी आए सुनी कलमा तो नबी का पढ़ता ना, लफ्ज़ नात आया तो रसूल की तारीफ है। अगली गल सुनना जी, एक होर बंद नात पढ़िया चुनी वाले मुंडे सुनी सदके जावा, ओए बंदे बंदे नहीं चुनी लेंदे ला सिर तो, ओए ला दे ओए ला दे, कहंदा अच्छा लाउंदा नहीं फिर भी, चल चल तेरा शौक होना मेरे पुत्र। की ना ये भी नाथ, एक नाथ होर पढ़े, तेरी बकरियां नूं पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनूं नाल रख लै, ये भी नाथ है, ये नाथ है सर जी, नाथ है। अच्छा ये भी नाथ है उसके मुताबिक, मौलवी साहब सुनना एक होर बंदे नाथ पढ़े किबला, वो नाथ की पढ़े, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईया, मैं क्या सुनिया बंदे लैन जांदे ने तू छड़ के आ गए, उस नगरी चो तो मंग के आई दा तू कि पहला जरा दे के आ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं बंदे नाथ, वो नाथ पढ़े ने जेड़े नुत्फे नाल पैदा ने। आओ तुहानू उस हस्ती की जुबान तो नाच सुनावा जिदे खर्चे ते इस्लाम पलिया, जेरे हाथ चा सके ओ सलाम ही उन्होंने है ना, बाकी तो बाबा जी मेहरबानी बहुत अच्छी। कौन जनाबे खदीजा पाक सलवातुल्लाह अलैहा, ज़ौजाए रसूलल्लाह, ज़ौजाए नूरे तौहीद, ज़ौजाए महबूबे तौहीद। ए मेरे सामने होना जी, मैं जुमला तुहाडे वास्ते पढ़ना, कोई ना बोले तुसीं मैनूं इक गल दी हिदायत देनी जे, मैं नहीं जानता कि बंदे किस मिजाज नाल सुनते ने, नात भी सिर्फ मैं ही पढ़दा, जे कसीदा मैं पढ़ना तो ना तो मैंने ही पढ़नी आती जी। हर इब्तदा को आखिर से अंजाम दे दिया, एक मुस्तनद खुदाई का पैगाम दे दिया, जब तय हुआ रिश्ता खदीजा का रसूल से, खालिक ने मुंह दिखाई में इस्लाम दे दिया। बोलो जे बोल सकते हो, पता नहीं किस बंदे बोलना यार। बाबा जी मालिक थोड़ा सारे सामने रखे सैयद, मेहरबानी शुक्रिया। मैं ढेर जे रबी लवल के जश्न ने सर, मैं अहले सुन्नत बनाओ को पढ़ना, तुम पूछ सकते हो वजह क्या, एक तो न्याज ढेर देंगे ने मिंबर से हौसला दाई, ठीक है नी, और दूसरों दाद बड़ी देंगे ने। चलो उन्होंने को जो वो डिमांड है वो नहीं, दाद वाली डिमांड है थोड़े को, जे सुनी बिना बैठे तो अजय करने जी। बाबा जी सुनना जी, उत्थे भी जावे साई नवी सुनो, यूट्यूब तो सुन सकते, नवी सुनो, जिसकी नालन का अर्श पे नूर है पेशवा मिल गया है मुझे, नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे, मुस्तफा मिल गया है मुझे, माल क्यों ना खदी जा लुटाया करे बादशाह, मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे। सर जी खैरात तुसी ती बंदे चुप रह गए ने, बादशाह कौन पे आखरी है जिदे दस्तरखान ते लोग खा के बादशाह बन गए, ओए होए पहुंचे नहीं बंदे, ओ रसूल नु बादशाह कह रही है। तुहानू पता लगेगा बादशाहां दा क्या मियार हुंदा है, जिहड़ा बंदा दुआने नाल रोटी खा लैंदा है उहदे कोलों दाद नहीं मंग रहा, उहदे कोलों इलाज मंगना चाह रहे हैं अपना करावे,
ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਰਸੂਲਲਾ, ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਖਦੀਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਪੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਈਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਸਈਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜੋਜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ, ਬੀਬੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀਓ, ਪਾਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸੇ ਜਬ ਨਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਤਸਬੀ ਨਮਾਜ਼ੋ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਫਰਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ ਇਲਾ ਹੀ ਕੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਬੀ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਮਾਰਫਤ ਆਪਕੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਆਪਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇਸੀ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋਜਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੌਲਾ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਆਪਕੋ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਲੈ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਲੁਤਫਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਬਾਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰਫਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਪਾੜਿਆ। ਆਇਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਨਲਾਇਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਨ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਹੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਆਓ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਅਤ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ-ਏ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਸਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ। ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਪੜੇ, ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕਿਆ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਛ ਕਰ ਸ਼ਮਸ ਜਿਸ ਕੌਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬ ਵੋ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਪਲ ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੌਜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੈਦ ਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ, ਸੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਛ ਕੇ ਸ਼ਮਸ ਜਿਸ ਕੌਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਪਲਤਾ ਹੈ ਅਬ ਮਰਤਬਾ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ।
कुर्बान तेरे कुर्बान जियो मैं कहना थोड़ी क्या बात है मुर्शद मौला जानते ने कोई वक्त ऐसा बने ना कि रबी अल्लाह जश्न पढ़ने वास्ते मैंने बुलाए तो मैं तुम ना तो सुनाऊं वेखा मैं बंदा जूंदा कि मेरे सामने बोल नहीं सकता मैं ऐसे ऐसी बादशाह की शान पढ़ांगा या तो वो हकीकी मुसलमान हो जाएगा या तो लभदा पेगा मैं बनया की मैं नौकर देना तो माले पाक मौला तुम सलामत रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी सुभान अल्लाह बाबा जी और यकीनन यकीनन और सैयद दर्जात बुलंद ने एडी मंजूरी और यकीनन मौजूद ने तुहाडे जिहड़े अजीज़ इदारे फंड तो मुंतकिल हो गए मालिक उन्हें तमाम दे दर्जात बुलंद फरमाए साडे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए दहशतगर्द जिस जिस जिमरे च मौजूद ने चाहे विलायत अली दे चाहे अजदारी हुसैन दे चाहे पाकिस्तान दे जिथे जिथों खिलाफ ने मालिक उन्होंने इस फनाबूत फरमाए ऐसी सोहनी गल है उस रहमत आलमीन सरकार दुआलम का फरमान है चूंकि दीन हो जो रसूल दवे हो लैव जिस तो मना फरमान मना हो जाओ यानी रसूल किसी ने महफिल च बुलाए वह भी दीन है किसी ने महफिल च उठावे शाबाश वह भी दीन है और जो रसूल मानते हो वास्ते सिर जाना उस बादशाह फरमाने की जीनत बख्शो रौनक बख्शो अपनी महफिलों मेरे भरा अली के जिक्र के नाल ये रसूल का फरमान है तुम भावें सिर भी लाते रहो गल मैं तो उस बादशाह की गल मन बंदे दी मैं मानता जिदा कलमा पढ़ता उस बादशाह की मानना वली का नूरे हकीकत छुपा ना पाओगे नमाज रोजा बुग्ज में बचा ना पाओगे हजार साजिशें तू करके देख ले मुल्ला जो हक नबी ने कहा है मिटा ना पाओगे जब तक कायम काबा है जब तक कायम काबा है जब तक कायम काबा है नाम अली का जिंदा है नाम अली का जिंदा है नाम अली का जिंदा है अली का जिंदा है नाम अली का जिंदा है नाम अली का जिंदा है नाम अली का सैयद का हुक्म पूरा कर रहे हैं और दुआ भी दी है दवाई भी दी हर वक्त जो आदम की शरीयत से बड़ा है यार क्या बात है इस गलती हर बंदा समझ खराब दे मेरे बने बाबा जान शरीयत से बड़ा है हर वक्त जो आदम की शरीयत से बड़ा है उस बाप का बेटा है तो क्यों भौंक रहा है लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना लिखा है जिसके टुकड़ों पे जमाने में तेरा पलना यहाँ भी उससे जलते वहाँ भी तूने जल जब तक अल्लाह अल्लाह है जब तक अल्लाह अल्लाह है नाम अली का जिंदा है जिंदाबाद जी जिंदाबाद अली वाले जिंदाबाद नबी वाले सारे हाय अली या अली या अली एक शेर जरा अगर मैं रुक गया सी छोड़न लगा सी छोड़ दिंदा तो पूरी सी लेकिन एक शेर तुहाडे वास्ते जे नहीं बोले हजे ताई और इसे वास्ते ताकि तुसी सारे करबला जाओ मैं दिलों चाह रहा तुसी जाओ करबला तुहाडा दिल ना होवे घर भी जानदा पर मैं तुहानू करबला भेजना चाहना एक एक लाइन जैन जीवन साहब मौला के आप बड़े प्यारे मदा खान हैं और मौला ने आपको इस स्टेज में वो इज्जत दे दिया और उससे ज़्यादा करोड़ इज्जत अता फरमाए यानी जाकर जाकर नूं घट ही पसंद करता पर मैनू बड़ा पसंद है एड्डा कमाल कसीदा पढ़ता है एड्डा सोहना कसीदा ही कोई नहीं पढ़ता जे अली का नाम सोहना लवे ना मैनू चंगा ही बड़ा लगता वो छोटा होवे वड्डा होवे जात दे नाल तालुक ही नहीं जिदा अली दे नाल तालुक है सैयद हुक्म दे इन्हां दी कामयाबी वास्ते तोड़े तमाम रिज़िक दे दाफे आस्ते एक एक लाइन तोहफा पेश कर रहे हैं नाम अली का जिंदा है नाम अली का जिंदा है नाम अली
कामयाबी अच्छा सॉरी यार सॉरी माफ कर देना मेरी ये कामयाबी है मैं इस नस्ल का अदा करा मेरे वास्ते पता नहीं ए, शायद हो सकता है ए, मेरे वास्ते इस कायनात तो सब तो बड़ा है ना खर जरा अपनी जेब च दे रहा है ये तुसी शायद असमत जान नहीं सकते मेरे वाले लैवल ते लुत्फ आएगा इस गल चलो ये कामयाबी वास्ते ये कामयाबियां देखना जी ए शेर सारा ये नजर मोहम्मद को ये काबे से मिला है मोहम्मद को ये काबे से मिला है खरीदिया यार तुसी काबे से मिला है अली हर हाल में नफ्से खुदा है अली हर हाल में नफ्से खुदा है ये जाहिर हो के भी गायब रहा है हर बंदे सिर्फ कृष्ण मेहरबानी हो के भी गायब रहा है अली अलहम्दुलिल्लाह में छुपा है अली अलहम्दुलिल्लाह में छुपा है अली अलहम्दुलिल्लाह में छुपा है नबी के बाद ये सबसे बड़ा है नबी के बाद ये सबसे बड़ा है नबी के बाद ये सबसे बड़ा है अली जब साकिए कौसर हुआ है अली जब साकिए कौसर हुआ है किसी कम ज़र्फ की औकात क्या है किसी कम ज़र्फ की औकात क्या है कि जब खुद किबरिया ने भी कहा है जब तक रब का चेहरा है जब तक रब का चेहरा है नाम अली का जिंदा है अच्छा अच्छा जी चलो मालिक पाक तुम सलामत रखे ए मसाहिब भी मेरे भाई पढ़ने मैंने हुक्म जनाबे बाज़दा कह रहे हो तो औखी गल ही सुना तुम सर सौखी नहीं गल औखी सईद दो सईद हुक्म कर रहे हैं भाजी ने उठ के आके आख्या तो वो एक शेर पढ़ के केवला एक शेर की इजाजत है जी सर भी मौला आपको सलामत रखे आप मेरे से भी पढ़ दीजिएगा थैंक यू कौन है जनाबे बास जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है लफ्ज सोचना प्यास और पाल ये दो लफ्ज किस जुमरे च ने दो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है शराबे दस्त जो समुंदर में ढाल सकता है कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा बगैर बाजू जो परचम संभाल सकता है बाजी बंदे की दाद थोड़ी हो गई जी तो मैं दाद तो बगैर पढ़ नहीं सकता थोड़ी दाद हुई मैंने वैसे ही मेरा ढिला होने लगे मैं एक शेर बर्दाश्त हो गया तो बाकी भी सुन लेना वीडियो चल रही जे बंदे अपने अपने छोटे छोटे एंड्रॉयड सैट ना वीडियो बना रहे हैं थोड़े को भी है घर भी जाके देखोगे सैयद हर मजलिस अपनी जिंदगी की आखिरी समझ के पढ़ता मालिक का जिक्र अपने वास्ते सब तो पहले समझदा मौत हक है मर उसने भी जाना जरा नहीं पा बोलता जरा बोल रहे उन्हें ही मरना है मर के मुँह तेली नु खाना ना जिन्हें मौलवी नु खाना है वह भावें ना बोले जिन्हें अली नु खाना है उदे हस्त गल जे फतवा लैना ये करना वह करना ये जानते ही नहीं कौन है बस जिदा बाबा कब च ना आए तो सजदा पता नहीं कितने रुलदा हो सानू सजदे जी जा दसी काबा अल्लाह का घर वह फतवा वह दे रहा जरा काबे सजदा कर रहा फतवा उस दे रहा जिन्हें काबे जहूर करके काबे काबा किया थोड़ी दाद हौली हौली ठंडी हो रही जी मैं लग रहा जे महसूस हो रही जे ये शेर औखा जी हुक्म भी तुम किया तो पढ़ भी रहा तो मैं मेरा रिस्क मेरी मौत मालिक दी नलायन दे सदके है किसी बंदे वास्ते कदे नहीं पढ़िया मैं भावें जो भी हो मेहरबानी साईं मैं नौकर साईं थोड़ा मैं नौकर हाँ लो साईं दे सदका नियाज भी लगी लो गल सुनना ला इला मदीना टुरिया बंदे सुन लेना जेरे पहचान हो तो ही उन्होंने की कहोगे अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी रसूलुल्लाह फरमाने अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी उसके बाद मौलवी जेरे मर्जी
फिर कितने डंडी मारन तो बाद नहीं आता, उत्थे बाद चे फरमाने कि आना वा अली मिन नूरिन वाहिद, जिवें बाकी हदीसां सुना लगा मैनूं कल तक टाइम हो जाना ते तुसीं और ठंडे हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता तुसीं थले होए तो अगले बंदे मेरे तो परेशान हो। गाजी बादशाह अजमत गाजी बादशाह खुतबा सुना रहे हैं, हुक्म तुसीं कीता खुतबे दा, एक शेर सुन लो अगले सुन लो, ए उस मियार ते आ गए ते फिर अगे ना मियार ते इत्थे ही आई आई जे कबर हुसैन की कसम जा रहे हैं, सैयद की कसम जाके अगली गल सुनना जी। लाइला मदीना टुरिया 1400 साल पहले दे दहशतगर्दा ने लिबासे हाजी दे विच आके हुसैन दे कतल दा मनसूबा बनाया, जिस वेले ए अल्लाह ला काफला पहुंचिया अल्लाह दे घर, सारा अल्लाह यार क्यों नहीं बोलते अस्सलाम वालेकुम सारा अल्लाह क्या है, ए अल्लाह दे खून वाला काफला पहुंचिया अल्लाह दे घर ते बकाए लाइला अब्बास दी उन्हां ते नजर पै गई। सैयद अगली गल सिर्फ तुहाडी जात वास्ते बोले ना बोले, सुनना आजमत क्या सुनना चाहते ने, मैं इस तो अगे पढ़ना चाह रहा, मैं मार्फत मालकों को सजदा करके अल्लाह को होर मंग रहा, मैं साइया की होर मार्फत आ फरमा, ये बंदे पिछली गल तो छड़ी जाते हैं, जलो अली सिना हमारी अर्जी है, खुदा लगे ना लगे अली की मर्जी है, इस तो ही पिछे हो गया अस तो अगे मंग रहे हैं। सिर चाणा कब की छत आए मौला अब्बास, जिदा मैदा कमजोर है हकीम को जाए, नहीं तो डॉक्टर कामरान को परसनल आके मिले, छत्ते आके काबे जी, गाजी बादशाह बोले अयो हन्नास मुझे यासीन का दिल भी रुखे वन्नास कहता है, मुझे यासीन का दिल भी रुखे वन्नास कहता है, मुझे दिल भी रुखे वन्नास कहता है, पड़े शब्बीर पे मुश्किल तो या अब्बास कहता है, पड़े शब्बीर पे मुश्किल तो या अब्बास कहता है, हमला मेरे हाथों से जब्बार कर, मैं क्या एक शेर बाबा जान बहुत शुक्रिया मालिक आपका साया सलामत, अल्लाह 14 दे सदके तुहानू सलामत रखे, खैर आप तुसी दे रहे हो ते शेर भी तुहाड़े वास्ते, एक शेर दा कीता है तुसी मेरी औकात तो ढेर सोहनी दा दित्ती है, मेरे अकीदे मुताबिक एक भी दे दिओ ते मैं राजी रहांगा, नहीं ते अगली वारी उन्हें भी बुला लेना इन्हें भी बुला लेना ते हौली हौली मैं आंदा रहा या मैं तुहाडे अर्गा जाऊंगा या तुसी मेरे अर्गे हो जाओगे। जनाबे बात देखने वाले मैं खुद ना दे इलाही हूँ, यदुल्ला की लकीरों में वो इज़राइल है बैठा, मेरे दर के फकीरों में उन किरदा में शम्से वफा हो, मैं शम्से वफा हो, हर एक तकदीर के पीछे मेरी तहरीर है लोगों, हर एक तकदीर के पीछे मेरी तहरीर है लोगों, मेरा मालिक जमाने में फकत शब्बीर है लोगों, मेरा मालिक जमाने में फकत शब्बीर रे लोगो, मेरा मालिक जमाने में फकत शब्बीर रे लोगो, मुझ में अली खुदा का दीदार करता है, इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत कसम, अगर पांच मातमी उठ के खराब देंदे मैं अगला शेर नहीं पाड़िया सी, लेकिन ये तुहाड़े पांचां सद के बाकियां ने ना बादशाह माने किसा का हूं मजावर मैं, हदीसों के लिबादे में मेरी तस्वीर कलमा है, नबी आदम के काबे में फौज खुदा में गाजी हुआ, मुसलमान भी हुए हो तो हमारे दर पे आकर, मुसलमान भी हुए हो तो हमारे दर पे आकर, काफिर है जो हमारा इनकार कर, और जिन्हें करबला जाने आज एवं नारा मारना पता लगे अली वाले नारा हैदरी।
सलवात मिल के बाबा से बुलंद।